गाइस वेलकम बैक। कल के ईवी संडे न्यूज में मैंने आपको बताया था कि ओला कंपनी ने 16 अक्टूबर से भारतीय ईवी फेस्ट चालू कर दिया, यानी इसके अंतर्गत कुछ ऑफर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप गाड़ी खरीदते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। और जनरली ये जो ऑफर प्रोवाइड किया गया वो ओला S1 Pro Gen 2 के लिए है, क्योंकि ये जो गाड़ी है थोड़ी महंगी है और ये गाड़ी जो बिकेगी ओला S1 Air के कंपेयर में थोड़ी कम बिकेगी। ओला S1 Air तो बिक ही रही है तो उसमें ज्यादा ऑफर उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा ऑफर प्रोवाइड किया ओला S1 Pro Gen 2 पे। कल के वीडियो के बाद काफी सारे इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज आए कि आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताइए कि ऑफर्स कैसे कैसे है। तो टोटल 24,500 का ऑफर लग रहा है, बट ये ऑफर कैसे कैसे लग रहा है और उसमें कहां कहां आप एलिजिबल है। और ये जो ऑफर है अप टू ऑफर है, यानी फ्लैट ऑफर नहीं है कि 24,500 का डायरेक्ट फ्लैट ऑफर दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, उसमें भी बाइफरकेशंस दिए गए। सबसे पहले आता है बैटरी वारंटी, जिसके लिए आपको 7,000 रुपए देना पड़ता था, वो चीज आपको फ्री कर दिया गया है अगर ओला S1 Pro Gen 2 परचेस करते हैं। तो वैसे तो ओला S1 Air भी परचेस करते तो 50% का डिस्काउंट दिया गया है। बैटरी वारंटी जो होती है 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप लेते हैं तो उसमें 50% का डिस्काउंट दिया गया है। हालांकि पहले तो आपको 3 इयर्स की वारंटी मिलती है और उसको एक्सटेंड करके अगर 5 इयर्स करना है तो 7,000 और लगता था ओला S1 Pro Gen 2 के लिए, बट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहा है 5 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी। सेकेंड इज दी एक्सचेंज प्रोग्राम, और ये एक्सचेंज प्रोग्राम ऐसा है कि अगर आप अपनी कोई भी दूसरी गाड़ी ले जाते हो और उसको एक्सचेंज करके ओला की गाड़ी लेने का सोच रहे हो ओला S1 Pro Gen 2, तो अच्छा खासा वैल्यू दिया जाएगा ओला कंपनी के थ्रू। अगर आप किसी और गाड़ी के साथ उसको एक्सचेंज करवाते हैं तो उतनी अच्छी वैल्यू नहीं निकल जाएगी जितनी ओला S1 Pro Gen 2 के साथ है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि उनकी ओला S1 Pro Gen 2 ज्यादा बिके, तो वहां पे वो थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा दे रहे हैं कस्टमर्स को। नेक्स्ट जो बेनिफिट आता है वो एक्चुअल में काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जो 7,500 ऑफ है, फ्लैट ऑफ है, उसका क्या फंडा है। सो गाइस, कंपनी ने कुछ बैंक्स को एक्वायर करके रखा है, उस बैंक से अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई से गाड़ी उठाते हैं तो आपको 7,500 रुपीज का बेनिफिट होता है। वो तो आपको चेक करना पड़ेगा इनके वेबसाइट पे जाके कौन कौन से बैंक्स ऐड करके रखे, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से लेते तो ही ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। नो कॉस्ट ईएमआई उसी पे ही बन रही है और उसी से ही आपको 7,500 का बेनिफिट मिलता है। काफी लोग बोलेंगे कि यार ये बेनिफिट कब तक चलने वाला है, सो गाइस अभी तक इसका एंड नहीं बताया कि ऑफर कब तक एंड होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली इनकी गाड़ी अगर सेल नहीं होती है तो मैं आपको बता देता हूँ ये काफी लंबा चलने वाला है, दिवाली तक ये आराम से चलेगा। एक और ऑफर है जो वो 24 अक्टूबर को खत्म कर रहे हैं, वो है रेफरल वाला। रेफरल वाला फंडा ऐसा है कि अगर आप किसी को भी रेफर करते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेस करने के लिए तो रेफरल में आपको मिलता है 2,000 रुपए, यस 2,000 रुपए मिलता है, और जिसको रेफर किया गया उसको 1,000 रुपीज मिलता है, कैशबैक मिलता है, यानी कि आप जो भी गाड़ी परचेस करते हैं उसका 1,000 रुपए बच जाएगा और जिसने रेफर किया उसको 2,000 रुपए दिया जाएगा, और फ्री में उसको ओला केयर प्लस भी दिया जाएगा जिसने रेफर कराया। यानी कि अगर किसी बंदे को तुम पकड़ के लाते हो ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ी परचेस करने के लिए, देन आपका ज्यादा प्रॉफिट है। और जो आखिरी चीज है वो है इनका टेस्ट राइड से रिलेटेड। अगर आप इस गाड़ी को टेस्ट राइड करते हैं तो कोई भी लकी पर्सन को अच्छा खासा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1X मिल सकता है एज अ लकी, क्योंकि ये जो ऑफर है ये पर डे के हिसाब से, यानी पर डे इन्होंने रखा है कि कोई भी एक बंदा हो सकता है लकी ड्रॉ के थ्रू जिसको ओला S1X मिल सकती है, और ये काफी अच्छा है। और साथ में जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, जो टेस्ट राइड कर रहा है, उसको भी चांसेस है कि मर्चेंडाइज मिले और एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है जो भी टेस्ट राइड करने जाता है 16 अक्टूबर के बाद ओला इलेक्ट्रिक के एक्सपीरियंस सेंटर में गाड़ी को टेस्ट करते हुए। और साथ में डिस्काउंट कूपन भी मिल सकता है ओला केयर प्लस का, और अगर आपने बुक करवा दी उसी टाइम ओला S1 Pro Gen 2 तो इंस्टेंट आपको वहां पे डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो देखो अभी कंपनी ने क्या हर तरफ से ऑफर प्रोवाइड कर दिया है जिससे कि आप पूरा का पूरा फोकस्ड हो जाए ओला S1 Pro Gen 2 परचेस करने के लिए। ये एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे लोगों से गाड़ी की तरफ आकर्षित कराया जाए जो गाड़ी काफी समय से कम बिक रही है। तो ये ओला का काफी अच्छा मूव है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इनकी काफी अच्छी है तो ये गाड़ी काफी अच्छी सेल कर लेंगे और काफी लंबे समय तक टिक सकते हैं। तो ये कुछ ऑफर्स है जो ओला कंपनी ने प्रोवाइड किया है इस फेस्टिवल सीजन, और ये फेस्टिवल सीजन का नाम मेरे को सबसे अच्छा लगा, भारत ईवी फेस्ट। ऑलराइट गाइस, इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज आपको पसंद है तो प्लीज चैनल को एक बार चेकआउट जरूर करना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, रिकॉर्डिंग एडिटिंग बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है, उसके बाद अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है। अगर आपको डेली न्यूज पसंद है तो प्लीज इस चैनल को एक बार चेकआउट जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 2.3 लाख, जल्दी जल्दी कर दो जिससे हम उस टारगेट तक फटाफट से पहुंचे, उसके बाद नए टारगेट सेट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।